संजय गांधी अस्पताल बंद होने पर क्या बोली अमेठी की जनता। संजय गांधी अस्पताल बंद रहे या खुले, इस पर जनता ने दी राय। जनता ने अस्पताल को लेकर जो कहा वह प्रशासन को अचंभित कर देगा। अमेठी जनपद में संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे संजय गांधी अस्पताल पर ताला लगने पर अमेठी की जनता ने अपनी राय देकर सबको चौंका दिया है। महिला के इलाज में लापरवाही के इल्जाम के चलते अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड के सवाल पर जनता ने जो कहा उसे सुन जिला प्रशासन अचंभित रह जाएगा। सुनिए संजय गांधी अस्पताल बंद होने पर जनता ने क्या कुछ कहा। अस्पताल बंद करने से कोई सजेशन नहीं निकलेगा भाई। अगर महिला की मौत हुई है ठीक है, मगर अस्पताल बंद कर देने से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो रोड थोड़ी बंद कर दी जाती है। ये बताइए भाई, रोड अगर बंद कर देंगे तो पब्लिक आएगी जाएगी कैसे। अभी मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ तो मैं अस्पताल संजय गांधी ही तो लेकर जाता, कहाँ लेकर जाता। पहले प्राथमिक उपचार के लिए मुझे संजय गांधी ही है, तो अस्पताल बंद करने से सिचुएशन नहीं निकलेगा। अस्पताल खुलना चाहिए, ये कोई इसमें वो नहीं है कि इसमें राजनीतिक कोई मुद्दा, इसमें ऐसी बात नहीं है। अस्पताल को खुलना चाहिए, अगर डॉक्टर की गलती है तो डॉक्टर को उसकी सजा मिलनी चाहिए। और अगर पेशेंट की गलती, पेशेंट को गया मान लिया, उसके जो लोग उसके गार्जियन हैं उन लोगों ने अगर इस पर विचार किए कि अस्पताल बंद करा देने से इसका कोई सजेशन नहीं निकलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में अस्पताल में जीने और मरने का काम होता है जी। आदमी जीने के लिए जाता है और डॉक्टर अपने बस में रहता है तो बस बचा लेता, नहीं तो आदमी मर जाता है। इसमें अस्पताल का कोई दोष नहीं है। अस्पताल खोला जाए, लोग परेशान हैं, कहाँ जाएँ, सुल्तानपुर जाएँ, रायबरेली जाएँ, कहाँ जाएँ। मेरी राय यही है सर, मैं इतना जानना चाहता हूँ कि मृत्यु ऊपर वाले की देन, अगर कोई इंसान से गलती हो गई है तो एक इंसान को दोषी माना जाएगा, हर पूरा अस्पताल दोषी नहीं है। हमारा बच्चा भी बीमार हो जाएगा, यही मेरा मकान पड़ता है तो कौन लेकर के जाएगा सुल्तानपुर लखनऊ प्राथमिक उपचार के लिए। कम से कम यहाँ हम लोग पहुँचते तो हैं, और उसके बाद जो है हम लखनऊ जाएं या दिल्ली जाएं, बम्बई जाएं, कलकत्ता जाएं, वो मेरी महानता है। क्या इस पर राजनीति की जा रही है? अभी राजनीति तो हो रही है, लेकिन हम लोग अपने मुँह से नहीं कहेंगे। अस्पताल बंद हो गया ये गलत है। अस्पताल में ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर जो है एक ही तरीके से। क्या नुकसान हो रहा है क्षेत्र का? बिल्कुल नुकसान हो रहा है, जनता परेशान है। अस्पताल खोला जाए या बंद किया जाए? नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल खोला जाए। क्या नाम है आपका? आनंद शुक्ला। तो सुना आपने, जनता का एक सुर में कहना है कि संजय गांधी अस्पताल को बंद करना अमेठी की नुकसान है। अगर किसी से गलती हुई तो प्रशासन उस पर एक्शन ले। अस्पताल बंद होने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पाएगा, उन्हें या तो सुल्तानपुर जाकर भटकना पड़ेगा या लखनऊ जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि सीएमओ अंशुमान सिंह द्वारा अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड करने के बाद अस्पताल में इलाज बंद कर दिया गया है। जिस अस्पताल में लगभग रोज 1000 मरीजों का इलाज होता था वह अब सुनसान पड़ा हुआ है। दरअसल महज 4 दिन के अंदर संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड होने पर कांग्रेसी नेता इसे राजनीतिक भावना से प्रेरित बता रहे हैं। बीते दिन पूर्व MLC दीपक सिंह और सोनिया गांधी के प्रतिनिधि KL शर्मा ने कहा था, प्रशासन ने जिस तरीके से संजय गांधी अस्पताल पर एक्शन लिया वह अमेठी की जनता का नुकसान करेगा। फिलहाल मामला राजनीतिक भावना से प्रेरित है या सच में अस्पताल ने इतनी बड़ी गलती की है, ये सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।